Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic that is illustrations of CMA final paper number 17, study note number 2, that is business combination illustrations. So in this video we will solve illustration number 21. So first of all, ये जो question है उसमें जो balance sheet है उसमें कुछ figure है वो missing दिया है. हम लोग simply वो find out करेंगे. It is very easy. सी ये जो असेट साइड का टोटल है उसका टोटल 500 आता है और लायबिलिटीज़ में टोटल 500 दिया है. अभी 500 में से 100 इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है और इधर क्वेश्चन मार्क है, तो इधर हम लोग का 500 माइनस 100 किया तो इधर आएगा 400. हम लोग फिल करके रखेंगे, बाकी सॉल्व करते वक्त उसका यूज़ हो जाएगा. और इधर जो टोटल है वो 400 है. इधर ऑलरेडी बोरोइंग्स 200 दिया है, यानी कि अदर इक्विटी हम लोग का आएगा 200. सी मैच हो रहा है टोटल. सो सिंपल यही करना था और कुछ नहीं है. सी ये जो हॉरिजॉन्टल टोटल है 400 प्लस 200 600 करेक्ट है, और इधर हम लोग का 200 वो सब सेम है, इधर 100 है. तो इधर सिंपली हम लोग ने वो दो जो फिगर मिसिंग थे वो कंप्लीट करके लिया है. अभी हम लोग को क्या बोला है, एक्स लिमिटेड हैज़ 2 डिवीज़न दैट इज़ एक्स डिवीज़न एंड वाई डिवीज़न. उसका जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग को दिया है. उसके बाद वाई डिवीज़न इज़ सोल्ड टू अ न्यू कंपनी जेड लिमिटेड, यानी कि ये भी डीमर्जर वाला ही क्वेश्चन है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग ने किया था, वैसे ही इधर करना है. तो इधर ये जो एक्स डिवीज़न है वो वैसे ही रहेगा और वाई डिवीज़न सेल किया जा रहा है जेड लिमिटेड, ये जो कंपनी है न्यू कंपनी है उसको. ओके, the consideration is 250 lakhs was settled by the issue of equity shares of rupees of Z Limited of rupees 10 each. इसका मतलब जो भी कंसिडरेशन दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर्स में दिया जाएगा एट द रेट ऑफ ₹10, यानी कि पार पे. पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड. सिंपली हम लोग को ये जो एक्स वाई लिमिटेड है उसका जर्नल एंट्री एंड जेड लिमिटेड का जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है. सी ये भी क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते वक्त सिंपली हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि रियलाइजेशन लॉस हो रहा है कि रियलाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लायबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे और असेट्स को क्रेडिट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लायबिलिटीज़ है दैट इज़ वाई डिवीज़न का सी करंट लायबिलिटीज इट इज़ 300. सो करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट 300. उसके बाद है बोरोइंग्स. तो बोरोइंग्स तो उसका है 200. सी बोरोइंग्स इज़ 200. करंट लायबिलिटीज़ हम लोग का हो गया, उसके बाद बोरोइंग्स 200 है. बोरोइंग्स अकाउंट डेबिट 200. ओके, जो भी लायबिलिटीज़ है वो हम लोग का कंप्लीट हुआ. अभी हम लोग जो भी असेट्स है वो लिखेंगे. सी फिक्स असेट्स में हम लोग को कॉस्ट दिया है, देन डेप्रिसिएशन एंड देन WDV. डायरेक्टली WDV रिकॉर्ड किया तो भी चलेगा. सो फिक्स असेट्स का 300 ये जो WDV है वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. सो फिक्स्ड असेट जिसको ही PPE कहा जाता है. ओके, PPE अकाउंट दैट इज़ 300. ओके, उसके बाद सी असेट्स का 300 हो गया, देन करंट असेट्स 400 टू करंट असेट्स अकाउंट इट इज़ 400. जो भी असेट्स था लायबिलिटी था वो दोनों भी हम लोग का रिकॉर्ड करके हुआ है. ये जो अदर इक्विटी होता है वो तो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, बाकी कुछ भी डेटा नहीं बाकी है. तो हम लोग सिंपली चेक करेंगे कि रियलाइजेशन लॉस हो रहा है कि रियलाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है. तो क्रेडिट में टोटल है 700. सी 300 प्लस 400 प्लस 700 माइनस डेबिट का 300 माइनस 200. सो हम लोग को हो रहा है लॉस ऑन रियलाइजेशन दैट इज़ 200. सो वो डेबिट में आएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट दैट इज़ 200. ओके, तो ये हम लोग का हो गया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड. अभी हम लोग को प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जो न्यू कंपनी है जिसने वाई डिवीज़न को एक्वायर किया है वो. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री आएगा. उसमें क्या होता है कि असेट्स आ रहा है तो जेड लिमिटेड असेट्स को डेबिट करेगा. असेट्स आर कमिंग इन सो डेबिट व्हाट कम्स इन. असेट्स को डेबिट करेंगे, कंसिडरेशन को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाई डिवीजन है उसका असेट्स, उसमें भी डायरेक्टली WDV हम लोग लेंगे दैट इज़ 300. ओके तो WDV रिकॉर्ड करेंगे यानी कि फिक्स असेट्स, PPE यानी कि फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज़ 300. उसके बाद है सी करंट असेट्स दैट इज़ 400. करंट असेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज़ 400. उसके बाद हम लोग लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करेंगे और कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेंगे. सो टू कंसिडरेशन अकाउंट, कंसिडरेशन हम लोग को बोला है 250 लाख दिया जाएगा. सो 250 आएगा कंसिडरेशन. और लायबिलिटीज़ अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट लायबिलिटीज़ इट इज़ 300. करंट लायबिलिटीज़ अकाउंट 300. लास्ट वन इज़ बोरोइंग्स. बोरोइंग्स हम लोग का है 200 का. सो बोरोइंग्स में हम लोग लिखेंगे 200. ओके सो बोरोइंग्स अकाउंट इट इज़ 200. अभी सिंपली हम लोग चेक करेंगे कि गुडविल आ रहा है कि गेन ऑन बार्गेन परचेस आ रहा है. सो क्रेडिट का टोटल 250 प्लस 300 प्लस 200 टोटल इज 750 माइनस डेबिट का 300 माइनस 400. सो 50 का गुडविल आ रहा है हम लोग को इधर. गुडविल अकाउंट डेबिट 50. ओके अभी फर्स्ट एंट्री हम लोग का हो गया. अभी सेकेंड एंट्री क्या होगा कि कंसिडरेशन में हम लोग को क्या मिला है वो हम लोग का सेकेंड एंट्री होता है. तो कंसिडरेशन में हम लोग को मिला है इक्विटी शेयर्स. तो सी हम लोग को मिला है इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 यानी कि पार वैल्यू पे. सो हम लोग लिखेंगे कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, कंसिडरेशन इज 250 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इट इज़ 250. तो इधर हम लोग का क्वेश्चन में जो पूछा था हम लोग को जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड एंड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड दोनों भी हो गया है सी. तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 21 कंप्लीट होता है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.